रिकॉर्ड शिफ्टिंग से कबल एलडीए की स्कीमों में कब्जा की निशानदही का फैसला। एलडीए के हाउसिंग डायरेक्टोरेट से कब्जों की तफसीलात तलब। एलडीए के तमाम हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। जौहर टाउन, सब्जाजार, गुलशन रावी और गुजरपुरा स्कीम में कब्जों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, इस वक्त एलडीए इंतजामिया की तरफ से जो एलडीए की जेरे इंतजाम हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है और रिकॉर्ड की शिफ्टिंग की जा रही है ताकि रिकॉर्ड में जो बोगस फाइलें हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा सकें और जो अवामी शिकायत हैं उनको बर वक्त हल किया जा सके। ताहम ये एलडीए के रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग से कबल एलडीए इंतजामिया ने इन स्कीमों में जिन मुकामात पर कब्जा किया गया है उसकी निशानदेही का फैसला किया है। ये शोभा हाउसिंग की जानिब से कई दहाइयों से इन कब्जों को वागुजार नहीं करवाया गया और कब्जा माफिया अरबों रुपए मालियत की इस अराजी पर पंजे गाड़े हुए हैं। अब इसी तनाजुर में एलडीए के हाउसिंग डायरेक्टोरेट से कब्जों की जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली गई हैं। एलडीए के तमाम हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है जिसमें जौहर टाउन, सब्जाजार, गुलशन रावी और गुजरपुरा स्कीम में कब्जों की तफसीलात तलब की गई हैं। इसके अलावा एलडीए एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम, फैसल टाउन और चाइना स्कीम की तफसीलात भी तलब की गई हैं। मुबैना कब्जों के रिकॉर्ड को एलडीए रिकॉर्ड शिफ्टिंग का भी हिस्सा बनाया जाएगा। मुतलका जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि GIS लोकेशन और तस्वीर के हमरा रिपोर्ट जमा करवाई जाए। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।